सर ये मैं हर्ष गुप्ता हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, आई एम द डायरेक्टर फॉर दादासाहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड सिंस, और मैं ये शोज़ कर रहा हूँ 17 साल से, और कोई भी अवार्ड रहा है उसको मैंने डायरेक्ट किया है मेरे अंडर कमांड के अंदर, चाहे वो दादासाहेब फाल्के अकेडमी अवार्ड है या फिल्म फाउंडेशन है या दादासाहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड है, और बड़ी अच्छी से हम लोग कर रहे हैं इसको। बेसिक आइडिया इस अवार्ड को करने का यही है सर कि जो हमारे दादासाहेब फाल्के जो हमारे इंडस्ट्री के पायनियर रहे हैं उनकी हर साल याद करना और इंडस्ट्री को ये बताना कि भाई उनका नाम मत भूलिए जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं। हम सब लोग उन्हीं की वजह से हैं, दादासाहेब फाल्के की वजह से। मेरे साथ हमारी पार्टनर हैं पूनम झावर जी, वो भी मेरे साथ अभी दादासाहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड से जुड़ी हैं 6 साल से, फ्रॉम सिक्स लास्ट सिक्स ईयर। हाय एवरीवन, आई एम पूनम। मैंने शुरुआत की दादासाहेब फाल्के अवार्ड से, एकेडमी अवार्ड से, जब मैंने हमारे अवार्ड में जब शुरू में जब मैं एज ए डायरेक्टर रहा वहाँ पे, तो मैंने प्रियंका चोपड़ा, रानी मुखर्जी, धर्मेंद्र जी, रेखा जी, देन आनंद जी भाई, उसके बाद फिर हमने 2012 में अमिताभ बच्चन, रोहित शेट्टी, देन काजोल, देन दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन साहब, दिलीप कुमार साहब और सुभाष घई साहब को एक ही साथ स्टेज में लाने का श्रेय हमारे अवार्ड को ही जाता है, दादासाहेब फाल्के अकेडमी अवार्ड्स को। उसके बाद 2001 ही अवार्ड दिया सर कि वो जावेद जाफरी साहब आ पाए हैं, बाकी और तो कोई हमारे यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि बाकी OTT को हमने ज़्यादा हमने कॉन्सेंट्रेट किया इस बार। लाइक दिस टाइम वी आर गिविंग टू मलाइका अरोड़ा, लाइक टू जावेद जाफरी साहब, दुबे, रवि दुबे जी, देन कबीर बेदी साहब फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिस टाइम अगेन। Hi everyone. I have been, of course, everybody knows that I have been actress and producer. But this was event managing was a very difficult and very challenging part for my life. And but then since last 6 years, I have been working with the Dadasaheb Phalke Excellence Awards with Harshji. And let me tell you, ek puri film aur ek din ka event karna, it's really, it's so tough because it is live all the time. It is happening there live. बट आई थिंक हम लोग ने थोड़ा मैनेज कर लिया एंड आई एम रियली प्रिवलेज दैट आई एम डूइंग दादासाहेब फाल्के अवार्ड इवेंट मैनेज बाई मी, बिकॉज दादासाहेब की हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और उनके नाम पे अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो हमारी इंडस्ट्री के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर जहाँ से हम खाते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जिस वजह से आज हम हैं, तो उनके लिए इज्जत सम्मान देना थोड़ा सा भी, आई वुड रियली से दैट आई एम प्रिवलेज टू डू सो। सो और दादा साहब के जो ग्रैंड सन हैं वो हमारे ऑलमोस्ट पार्टनर जैसे हैं, उनका आशीर्वाद है हमारे साथ, किरण फाल्के उनका नाम है, और अभी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे MX प्लेयर हमारे साथ में है, हमारे इवेंट पार्टनर्स हैं, लोकमत है, HR एंटरटेनमेंट ड्रीम कैचर, एंड देन वी हैव चाणक्य मार्केटिंग, चाणक्य ब्राइट मीडिया, एवरीबडी, एंड सबके सपोर्ट से ये मतलब हमने अवार्ड खड़ा किया है। एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये अवार्ड बेसिकली बहुत सात्विक, रिस्पेक्टफुल, और बहुत ही हम लोग मतलब दिल से इस अवार्ड को करते हैं। मतलब दादा साहब के ग्रैंड सन, तो ग्रैंड इतनी सिंपलिसिटी उनमें थी, मतलब हमें लगा कि यार इनको तो बाहर आना चाहिए, बिकॉज कभी इन्होंने आगे अपने बारे में बताया नहीं, इन्होंने अपने बारे में तो शोशेबाजी नहीं किया जो दूसरे करते हैं। तो मतलब हम तो बहुत नतमस्तक थे आपके, इतने सीधे, इतने सरल इंसान हैं, और हम सच में बहुत लकी हैं कि हमारे सर का साथ हमें मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा, इंप्रेस हो गया, और इनको जो कुछ मदद चाहिए लीगल वगैरह वो मैं देने को तैयार हूँ, और मैं हमेशा इनके साथ ही हूँ, नो डाउट अबाउट दैट। थैंक यू सर, थैंक यू। आप प्रार्थना करिए मेरी सेहत अच्छी रहे बस। अरे हार्ट एंड हेल्दी यू आर सर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। मैं ये ग्रैंड सन है दर रात दादासाहेब फाल्के, जो हमारे दादासाहेब फाल्के रहे हैं पायनियर ऑफ द इंडस्ट्री, उनके द रियल ग्रैंड सन हमारे सामने साक्षात मौजूद हैं, तो वी आर सो प्राउड ऑफ इट कि इंडस्ट्री के पायनियर के जो हमारे ग्रैंड सन है हमारे साथ हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है इस अवार्ड में ये प्रेजेंस इनकी, और मैं चाहूंगा कि आने वाले 50 साल तक वो हमारे साथ ऐसे ही। Hello, my name is Jake Silvers. I'm so lucky to be here at this award show directed by Harsh and Poonam. I'm going to be playing a lead role in a new movie, upcoming movie called Love in Mumbai. And
I just want to say I'm so lucky to be here in India. I really revere this place as a location of spiritual and cultural richness, and I'm very blessed to be here and to get to be in a movie that really speaks to the spiritual greatness of this place, and that's really what the movie is going to be about. And that's really cool. क्या कहते हैं दादा साहब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड 2022 हर्ष गुप्ता जी के बारे में और पूनम जी के बारे में? ये देखिए दोनों ही बड़े जुझारू कार्यकर्ता हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के रूप में जो काम कर रहे हैं, मुझे एक ही बात समझ में आती है कि दादा साहब फाल्के हमारे देश के एक ऐसे महान कलाकार थे जिन्होंने शुरुआत की नींव डाली है। हमेशा शुरुआत के संघर्ष अगर आप लोगों ने जिन लोगों ने अभी तक हरिश्चंद्र जी फैक्ट्री नहीं देखी मराठी में, किन किन देखिए राहत रात हरिश्चंद्र जी फैक्ट्री नहीं देखी प्लीज आप लोग सब लोग जाइए हमें देखिए हैं हाँ आपने देखी यस तो जिन जिन ने देखिए आप जाके देखिए दादा साहब ने कितना स्ट्रगल किया है अपनी फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा होने से लेकर अभी तक जो है। अगर मैं बात करूँ राजा हरिश्चंद्र से लेकर आलम आरा एक नया पड़ाव आया जब बोलती फिल्में बनी, उसके बाद आज 2022 चल रहा है, कुछ समय पहले अभी रणबीर कपूर से मिलकर आया मैं देख रहा था कि इतनी सारी फिल्में बनती हैं हमारी इंडस्ट्री में लेकिन बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जिनके कारण नींव डली है, उनमें से दादा साहब फाल्के थे। बहुत अच्छा प्रयास है, ये लोग काफ़ी सालों से कर रहे हैं और अगर इनकी वेबसाइट देखी जाए तो ऐसे कोई स्टार्स नहीं है जो दादा साहब फाल्के एक्सलेंस अवार्ड्स में नहीं आए, सारे रेप्यूटेड एक्टर्स रहे हैं और आज भी जो आएंगे वो ए लिस्टर्स ही आएंगे। बहुत अच्छा प्रयास है इन लोगों का। देखिए इट्स ए ब्यूटीफुल फिल्म कॉल्ड टोकन द ट्रेजर एंड वी हैव गॉट अ डेब्यू डायरेक्टर, द नेम ऑफ डायरेक्टर इज ऑफ कोर्स रवि कला जी। I think we should give a huge round of applause for the lady. Thank you. और इस फिल्म की खास बात एक ये है कि इस फिल्म को देख के आपको कहीं ना कहीं ऋषिकेश मुखर्जी की जो बनाई हुई फिल्में हैं वो आपको याद आएंगी, जिनको देख के एक मुस्कुराहट आती थी, जैसे हमारी खूबसूरत डायरेक्टर साहब ने अभी एक मुस्कुराहट दी है, एक मुस्कुराहट आएगी आपको सोचने पर मजबूर होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज के ज़माने में जो गाली गलौच और जो जो जिस तरह का आजकल कल्चर लोग दे रहे हैं, इट्स नॉट अ कल्चर इट्स लाइक ए वल्चर, इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, साफ सुथरी खूबसूरत फिल्म है। और सबसे बड़ी बात है कि शी हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब एंड सेकंड थिंग इज आई एम इंडेटेड कि इन्होंने जो सेंट्रल रोल था उसके लिए मुझको चुना, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आई एम वेरी थैंकफुल। लोगों में से कुछ लोग की कंटेंट आजकल कंटेंट चलता है तो ये फिल्म आपको जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कंटेंट कंटेंट है, इस फिल्म का हीरो वही है। आप देखिए बहुत सारे नए आपको चेहरे दिखेंगे, सब नए यंग टैलेंटेड बडिंग एक्टर्स हैं, लेकिन आप बिकॉज ऑफ द कंटेंट आपको लगेगा कि इस पिक्चर में खुशी से लेके वो रमा पहलवान का रोल और यादव का रोल, तुषार का रोल, इसका सम्राट का रोल, आपको बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स ये लगेंगे जैसे गाँव में होते हैं, दूध वाला हाँ यादव तो ये। और हम सबको काम करने में बहुत मजा आया जस्ट बिकॉज कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। एक्चुअली आई एम रियली हैप्पी आई एम बैक अगेन फॉर द दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स बिकॉज इसके पहले भी मुझे एक अवार्ड मिला है फॉर फिटनेस आइकन ऑफ द ईयर, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक हियर फॉर डीवा ऑफ द ईयर। इट्स लवली, इट्स वंडरफुल एंड जब भी कोई कहता है कि कौन सी बड़ी बात है अवार्ड ही है, आई थिंक अवार्ड्स आर वंडरफुल बिकॉज इट्स अ वैलिडेशन ऑफ सॉर्ट्स, वट एवर वर्क वी डू जो भी हम काम करते हैं उसके लिए अगर अवार्ड्स मिलते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ कुछ हम सही कर रहे हैं, सो आई लाइक इट। हर्ष गुप्ता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं एंड लास्ट ईयर भी मैं कलेक्ट करने वाली थी अवार्ड लेकिन मैं नहीं कर पाई, इस बार मैं रिसीव कर रही हूँ अवार्ड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि मेरे घर में आई थिंक ये फिफ्थ दादा साहेब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड होगा एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस होने वाली है और तुम लोगों को भी मज़ा आएगा, आई होप तुम लोग इन्जॉय करोगे। ओके थैंक यू सो मच ऑन मीडिया बिकॉज आई सो टूडे आई एम सो हैप्पी टू आई वर्क ऑल दिस मैम एंड दिस मैम ऑल सिंगर एंड दिस इज ऑल्सो so I'm so happy let's see and whatever your story and everything little bit bite please there the story is art reflecting life and life manifesting art
It is a romantic comedy spiritual journey through India, highlighting all the different cultures, all the different religions, and asking three basic questions on this journey of why is one religion better than the other? What is the true path to spiritual enlightenment? And if two people from different cultures do fall in love, how should they raise their kids? And the answer is love. नाम ही ऐसा है, अगर आपका नाम इस नाम के साथ जुड़ जाए तो बहुत ही बड़ी बात होती है. एंड पलाश को आज डेब्यू डायरेक्टर के लिए उसकी फिल्म अर्थ के लिए अवार्ड मिल रहा है, और मुझे शेरशाह के लिए, मेरे गाने के लिए, बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए बहुत ज़्यादा बहुत स्पेशल मोमेंट है बिकॉज पलाश को अवार्ड मिल रहा है. सो आई एम डबल हैप्पी, एंड हर्ष जी का धन्यवाद कहना चाहेंगे. अभी तो स्टार्टिंग हुआ है सफ़र, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आगे जाएगा क्योंकि अच्छी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है अर्थ को, तो आई थिंक जितना अभी जितना प्यार मिला है वो भी आगे वाली आने वाली फिल्म्स में मिले. कोई भी अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ख़ासकर ये अवार्ड जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस है. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. सबसे पहले तो यही है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है कोरोना के बाद अभी पहली बार हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी भी है, और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद. और जहाँ तक हर्ष जी की बात है, अवार्ड तो और भी होते हैं, और भी अवार्ड्स में जाते हैं हम, लेकिन हर्ष जी जो हैं वो हर चीज़ के लिए, हर गेस्ट के लिए, हर अवार्डी के लिए, जितने भी लोग आते हैं, मेरे गले के लिए माफ़ करिएगा. तो बस इतना कहना चाहूँगा कि वो इतना पर्सनल लेते हैं कुछ चीज़ को, हर बंदे को खुद फ़ोन करते हैं, खुद ये करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद. देखिए इतना सा बात कहना चाहूंगा कि हम सीनियर जूनियर नहीं है, दोनों ही जूनियर हैं, दोनों ही सीनियर. नहीं वही मैं प्लेइंग की बात कर रहा हूँ, दोनों सेम डेजिग्नेशन पे हैं, दोनों ही जूनियर हैं, दोनों ही सीनियर हैं. प्लीज़ कंटिन्यू. जी मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी कलाकार के लिए अवार्ड मिलना, और इतना बड़ा अवार्ड मिलना, ये बड़े सम्मान की बात है किसी भी कलाकार के लिए. जी प्रत्येक अवार्ड आपकी पीठ पर एक थपकी की तरह होता है, जैसे मेरा शो था थपकी प्यार की. सो इट बूस्ट्स आर मोरल्स, हमें ये भी बूस्ट देता है कि हम इससे भी बेहतर कुछ कार्य करें. एंड आज का ये अवार्ड है, हर्ष जी को मैं सालों से जानती हूँ, सो अच्छा लगा कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा कि हमें यहाँ आना चाहिए, ये अवार्ड हमें भी मिलना चाहिए, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार. मैं तो कहना चाहूँगी बहुत आला दर्जे का इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, जहाँ पर इतने ज़्यादा टैलेंट को मौका मिल रहा है कि वो आए और अपना टोकन और अप्रिसिएशन ले, क्योंकि इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से लाइफ में, कि आप अच्छा काम कर रहे हो और अच्छे काम के लिए आपको सराहा जा रहा हो. सो आई थिंक ग्रेट इनिशिएटिव बाय हर्ष एंड पूनम जी, बोथ. आई रियली अप्रिशिएट व्हाट दे हैव डन. आई हैव नोन हिम फॉर अ वाइल, एंड बहुत ही रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन अटेंडेंस ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर हूँ, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवनिंग. ब्यूटी पेजेंट एक्चुअली, एंड अनदर आई एम गोइंग टू डू ऑन 31st ऑफ दिस मंथ, एंड आई एम वेरी क्लोज विद हर, एंड शी इज़ सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, एंड और मैं चाहूँगी आगे भी हम काफ़ी सारा काम करेंगे साथ में. हर जी को नहीं, हम पूनम जी को ज़्यादा जानते हैं, वो काफ़ी हमारे साथ काम भी करती हैं इवेंट्स में, एज अ जज हम उनको रिकमेंड भी करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दादा साहेब फाल्के इस अवार्ड से जुड़े हुए सारे लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, और अब तक मैंने बहुत बार देखा था सभी लोग, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, सभी लोग दादा साहेब फाल्के इस अवार्ड से
नवाजे जाते थे और मैं हमेशा सोचता था कि मेरा वो वाला दिन कब आएगा, तो आज फाइनली वो दिन आ गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमेशा ही ऐसे अवार्ड फंक्शन में जाता हूँ तो थोड़ा नर्वस भी रहता हूँ, तो वो भी हूँ साथ ही साथ, बट आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल एंड सो थैंकफुल कि मैं आज यहाँ पर आया अवार्ड रिसीव करने। इट्स जस्ट एन एक्सट्रीम ऑनर एंड अ प्रिविलेज जब दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड जैसा आपको एक अवार्ड मिलता है। आई थिंक इन दिस लाइन ऑफ वर्क एवरीवन चेसेस परफेक्शन, पर मेरा एक हमेशा कोशिश रही है कि एक्सीलेंस जो है उसे उसके पीछे हमारा काम हो, एंड आई एम जस्ट रियली ऑनर्ड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दादा साहब फाल्के हैज़ रिकग्नाइज दैट, एंड आई होप टू लिव अप टू ऑल ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनक्रेडिबल अवार्ड। आई एम वेरी थैंकफुल, दिस इज माई थर्ड विद दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड इट डेफिनेटली यू नो इनकरेजेस यू, मोटिवेट्स यू टू वर्क इवन मोर हार्डर। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। ईद मुबारक आप सबको, बहुत 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 ईद मुबारक। आई मीन बहुत अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है एंड इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग, सो थैंकफुल टू देम एंड या लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इवनिंग।